समझ आई मैं अपनी क्या दुर्दशा बताऊं, तो मैं तुम्हारे को तो कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे को तो इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी, मैं तो मेरी मम्मी लेटी अभी मेरे को जूस बना के देगी अमरूद का। तो थर्ड पॉइंट है कि आपको कुत्ते तरफ चड्डी बना दूंगी कि तुम लोग मुझे देखने के लिए रोते हो कि रोज आओ रोज आओ। मैं रोज आऊंगी पर मैं रोज इतनी बदतमीजी नहीं कर सकती, वो भी मैं मेरे को भी घर में जवाब देने पड़ते हैं, मैं भी पिट लेती हूँ एक मिनट में, तो मैं इतनी बदतमीजी थोड़ी थोड़ी करा करूंगी आके बीच में। हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लस इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है लड़कियों के लिए। जिस प्रॉब्लम को मैं पिछले 3 महीने से फेस कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर हो, स्पेशली गर्ल, उस चीज को फेस करे और कई अपने घर में नहीं बता पाती और उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहे होते। मैं तो बिल्कुल ऐसी बौखला गई थी, पागल हो गई थी इस चीज के लिए। मैं बताती हूँ क्या चीज है। और मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले एक चीज नोटिस की, जो मेरे सब्सक्राइबर्स की एज ग्रुप है वो 16-30 है और मोस्टली वो फीमेल है, तो मैंने सोचा ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए, तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये जो वीडियो है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो ये वीडियो वजाइनल इन्फेक्शन से रिलेटेड है। मुझे ये 3 महीने से हो रहा था और मैं इतनी परेशान हो गई थी इस चीज को लेकर, मतलब मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। मैं डॉक्टर्स के पास जा रही हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, केमिस्ट पे, मैंने हर एक चीज ट्राई की। इनफैक्ट उन लोगों ने इतनी सारी दवाइयां दे दी जिसकी वजह से मुझे और गर्मी निकल गई, और आपने देखा था कि मुझे एक बारी एक छाला निकल गया था बहुत बड़ा, तो मैं अगर दवाइयां खाती हूँ ज्यादा तो मुझे उससे छाले भी निकल जाते हैं। बाद में मैंने मम्मी की ही बात मानी और उसके बाद मुझे बहुत रिलीफ मिला और अभी तक मेरी दोबारा प्रॉब्लम नहीं आई है, थैंक गॉड। तो सबसे पहले बात करते हैं, पेज से स्टार्ट करती हूँ, आपको पहला पॉइंट बताती हूँ, आपको 7 पॉइंट बताऊंगी टोटल, उसमें से आप देख लेना आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या आप गलतियां कर रहे हो तो वो नहीं करनी है। तो पहले प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू रिमूव योर प्यूबिक हेयर। आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारी लड़की को होता है क्या करे, रेजर करे, ट्रिमिंग करे, और कई कई तो वीट रिमूवल यूज करती है, कई कई वैक्सिंग कराती है। ठीक है, सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, हेयर रिमूव करने के लिए ही हेल्प करती है। जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो टेम्पररी आपको रिलीव कर रही है या आपको वो जो आपके हेयर है उनको इजिली रिमूव कर पा रही है, बट आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि वो परमानेंट कोई आपको गलत चीज तो नहीं देके चली जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं देके चला जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, पहली चीज, हर गायनोकोलॉजिस्ट आपको यही सजेशन देती है कि आपको अपने प्यूबिक हेयर को रिमूव नहीं करना है क्योंकि वो आपके वजाइना को प्रोटेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम जब हेयर की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी वजह से इचिनेस, इन्फेक्शन और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो उसको क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। अब 4-5 प्रोसेस होते हैं हेयर को रिमूव करने के लिए, कोई वीट यूज करता है, कोई कुछ, तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहला। सबसे ईजी और सबसे पहले जो लड़कियों के दिमाग में आता है हेयर को रिमूव करने के लिए, 2 चीजें आती है, या तो हेयर रिमूवल क्रीम या रेजर, दोनों ही आपको नहीं करना है। मैं आपको रीजन बताती हूँ। जो हेयर रिमूवल क्रीम होती है आपने देखा है जब भी आप उसको अपने कहीं पर भी अप्लाई करते हो, अपने हैंड्स पे, लेग्स पे, तो उसके बाद वो आपके बालों को जलाती है और उसके साथ एक वाइप्स होता है जिससे आपको खिंचा के रब करना पड़ता है आपकी स्किन को, वो जल के पूरे हेयर निकल जाते हैं। हेयर रिमूवल आपकी स्किन पे इफेक्ट करते हैं जिससे आपको रैशेज, इन्फेक्शन और आगे आने वाले टाइम पे पैचेस भी पड़ सकते हैं। तो आपको हेयर रिमूवल क्रीम्स के लिए तो बिल्कुल भी, स्पेशली इतने सेंसिटिव एरिया पे तो कभी नहीं करना। दूसरा रेजर, रेजर आप करते हो टेम्पररी चीजों के लिए ठीक है, बट अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे बिल्कुल नहीं करना, इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, आपको एकदम हार्ड ग्रोथ आ सकती है जिसकी वजह से कभी आप इन फ्यूचर वैक्सिंग भी कराओगे तो भी नहीं करा पाओगे। तीसरा स्टेप है वैक्सिंग कराना, वैक्सिंग कराना इन दोनों स्टेप से तो बेटर है, बट अगर मैं बात करूं ये बहुत एक वो वाला प्रोसेस होता है, क्या बोलते हैं, डरावना, बहुत डरावना प्रोसेस होता है, इसको हर लड़की नहीं करा सकती, ये मेरी जैसे तो नहीं करा सकती, मुझे एक्चुअली डर लगता है इन सारी चीजों से। मैं आप लोगों को प्रेफर कर सकती हूँ ट्रिमिंग, जो सबसे अच्छा है, कोई दर्द नहीं, कोई हार्ड ग्रोथ नहीं आएगी, कोई उससे केमिकल्स नहीं लगाने पड़ रहे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ट्रिमिंग आप कर सकते हो, तो आप सीजर्स की हेल्प से कर लो, नहीं तो आप उसको ट्रिम भी कर सकते हो। तो ट्रिमिंग करना सबसे बेटर होता है इन सारे चोचलों में पड़ने से अच्छा। अब हमने ट्रिमिंग कर ली, उसके बाद हो जाती है स्किन ड्राई बहुत ज्यादा, अब उस ड्राई स्किन को कुछ ठीक तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भाई हम लोग सोचते हैं कि ये वाला मॉइस्चराइजर लगा ले और ये कर ले, कुछ नहीं करना, इधर आओ मैं बताती हूँ आपको। सिर्फ क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, उसकी अच्छे से मसाज करनी है हाथ पे, एंड देन लगाइंग उसको लगाना है और कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। मैं आपको देखो सारी चीजें वो बता रही हूँ, मैंने भी सब कुछ, जब ना मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, जब सर पे पड़ती है ना ऐसी चीज और इतनी प्रॉब्लम्स होती है, कोई सोल्यूशन समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे, ऐसा मन करता है भैया मेरे से पैसे ले लो बट ये ठीक कर दो,
तो आपको इवेंचुअली आना इसी रास्ते पे पड़ेगा। अगर कितने भी महंगी चीजें लगा लोगे उनके अंदर केमिकल्स होंगे, आपको और खराब कर देंगे आपकी चीजों को वो। तो इससे अच्छा है अपने घर में रखी हुई चीजों से ही काम करो, क्योंकि हम लोग नेचुरल चीजों से ही ठीक हो सकते हैं, हम लोग ये कीट पतंगे से ठीक नहीं हो सकते। क्या करना है आपको, मॉइस्चराइज करना है अपनी त्वचा को। अब उसके लिए आप क्या करोगे, कोकोनट ऑयल लेना है और उसकी अच्छे से जेंटली मसाज करना है। पहली चीज वो आपको मॉइस्चराइज करेगा, आपके उस पार्ट को मॉइस्चराइज करेगा। दूसरी, बैड स्मेल नहीं आएगी। और भी बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, और ये तो उसमें भी लिखा हुआ है कि नारियल तेल तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप उसको अपनी नाभी में डालते हो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आता है, जो मेरी मम्मी मेरे लिए करती है। मेरी स्किन पे नहीं आया पर आपके पे आ जाएगा पक्का। उसके बाद आता है सेकंड, क्या आपको अपने वजाइना पे सोप यूज करना चाहिए, मतलब साबुन की बट्टी। सब बिग नो, कभी भी मत करना। कभी भी आप ये मत सोचना ज्यादा चमचमाती त्वचा पाने के लिए, चाहे चलो मुंह पे तो लगा लो, वहां पे पर्टिकुलर उस जगह पे आपको सोप ऐसे यूज नहीं करना कि बहुत सेंसिटिव जगह होती है, उसको प्यार से। हमारा पहली बात तो एक बात सुन लो लड़कियों, हमारा वजाइना इतना ज्यादा खुद इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपनी चीजों को और अपनी गंदगी को खुद क्लीन कर सकता है। आपको नॉर्मली क्या करना है, अगर आपको सोप लगाना भी है अंदर तक यूज नहीं करना पहली चीज, इससे आपको इतना गंदा इन्फेक्शन हो सकता है। मुझे हो गया था ईस्ट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से मैं वही 3 महीने परेशान रही, और शायद मैंने भी ये गलती की थी अनइंटेंशनली। मुझे पता था ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अनइंटेंशनली कई बार चीजें हो जाती हैं। अगर क्लीन करना है उसको, उसको वार्म वाटर की हेल्प से हल्का हल्का उसको साफ करो, ढीला हो जाए, उसको वेट नहीं छोड़ना, उसको ड्राई करना है। अब ड्राई कैसे करोगे, उसको कॉटन के जो टिश्यूज होते हैं उसकी हेल्प से प्यार से डाप 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 करके उसको क्लीन कर लेना है। ये नहीं कि तौलिया रगड़ रहे हो या कुछ रगड़ रहे हो उसके ऊपर, बहुत सेंसिटिव पार्ट है, वो खराब हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि आपको कुत्ते देर में चड्डी बना दूंगी। सो गाइस, थर्ड पॉइंट है कि आपको अंडर गार्मेंट्स, तो आपको डिजाइनर पैंटीज पहननी है नहीं, तो मैं आपको बोलूंगी वंस इन अ वाइल के लिए ठीक है, बट अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे पहनते हैं, पहली चीज इन्फेक्शन का सबसे बड़ा खतरा होता है, दूसरी चीज जो आपका वाइट डिस्चार्ज निकलता है जब, उसको कॉटन की पैंटी ही अब्सॉर्ब कर सकती है और उसको कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करेगा, रैशेस क्रिएट नहीं करेगा, बट डिजाइनर जो होती है तो वो सारी चीजें आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट करेंगी, प्लस आपके उस पर्टिकुलर पार्ट को भी डैमेज करेंगी। तो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं पहननी है, आपको कॉटन के अंडरवेयर्स पहननी है जो आपके लिए कंफर्टेबल भी हो। मैं बताती हूँ, बैड स्मेल आएगी पहली चीज अगर आप इस तरह की रेगुलर बेसिस पे चड्डियां पहनोगे। दूसरी चीज, टाइट कपड़े पहनोगे तो पसीना आएगा, जिसकी वजह से रैशेस, स्मेल और बदहजमी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आया एक लड़की का, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ और जिसकी वजह से मैं ये अभी ये वाला जो पर्टिकुलर अभी पॉइंट बताने वाली हूँ ये उस लड़की के लिए है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ऐसे तो मैंने आपको डीएम में बता ही दिया है, बट स्टिल आप जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनको नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मुझे, वो 14 साल की है, कि मुझे मेंस्ट्रुअल कप यूज करना चाहिए या पैड यूज करना चाहिए। अभी आप बहुत छोटी हो मेंस्ट्रुअल कप के लिए, आपको नहीं जाना चाहिए उसके लिए। कईयों की मम्मियां नहीं बताती है, कईयों को शर्म भी आती है पूछने में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मे बी उस लड़की ने मुझसे रिलेट किया और इसीलिए उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी। अभी आप बहुत छोटे हो, आपको पैड ही यूज करने हैं, बेशक वो थोड़ा एनवायरमेंट के लिए प्रॉब्लम करते हैं, बट अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करोगे इस एज में तो वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि अभी आप मेंटली स्टेबल नहीं हो उस चीज को यूज करने के लिए। वो थोड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है अगर आप उसको इंसर्ट कर रहे हो, उसका अलग अलग यू नो साइज होते हैं, वो आपके लिए अभी इन शॉर्ट ठीक नहीं है। अभी आप पैड यूज करो, एक जब मेच्योरिटी वाली एज पे आप हो जाओगे, ऐसी चीजें यू नो समझ पाओगे और इन सारी चीजों को ले पाओगे, तब आप यूज करना, तब आपके लिए अच्छा होगा। और उस टाइम पे शायद आप खुद इतनी समझदार हो जाओगे कि आपको पता चल जाएगा मुझे क्या यूज करना है, मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है क्या नहीं है। बहुत सारी लड़कियां बड़ी होके भी पैड ही लगाती है क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होती, मैं भी नहीं होती कई चीजों में, सो इट्स ओके, ठीक है, आप अभी पैड ही लगाओ, ज्यादा ओवरथिंक मत करना। अब उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू अवॉइड पीरियड रैश। यहाँ पे मैं एक पिक्चर लगा दूंगी, इसकी आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं, आपको पैड्स जो हैं, कई कई लड़कियां क्या करती हैं, पैड्स को 6 घंटे चला रही है, 7 घंटे चला रही है, ये गलती नहीं करनी। इसी से रैशेज होते हैं, सबसे गंदा खतरनाक चीजें होती है। जब भी आप पैड को लगा रहे हो और आप इतने इतने घंटों तक चेंज नहीं कर रहे, आप कभी भी नोटिस कर लेना आपको रैश हमेशा निकलेंगे। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं 3 घंटे में पैड चेंज कर देती हूँ, तो इतना ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, बट मुझे लगता है अगर मेरा थोड़ा भी हो गई है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। और अगर रैशेस हो जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप कुछ मत करो,
कोई भी ठंडा वाला पाउडर होता है, मैं जो करती हूँ पहले तो रैशेस को क्लीन करा अच्छे से। क्लीन कैसे करती हूँ, पानी की हेल्प से उसको क्लीन कर लिया, उसके बाद उसको ड्राई किया। अभी भी वो रैशेस बने ही रहते हैं ना, वहां पे कहाँ पे जाएंगे, वहीं पर ही रहेंगे ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि ठंडा पाउडर होता है ना, कोई भी एक पाउडर वो रखा है, वो भी उसी चीज के लिए। अपनी वीडियो में मैं जो हस्की यहाँ पे लगा रही थी ना, वो यही था, अभी आपको समझ आया। तो वो वाला पाउडर मैं लगाती हूँ और मैं कुछ ऐसा पहन के ऐसे सो जाती हूँ कि मुझे हवा आए बस। अब उसके बाद अमीर लोग बोलेंगे कि मैं एक काम करती हूँ, इससे अच्छा एक चीज है कि मैं बहुत सारे वॉशेज ले आती हूँ जो मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं नई नई चीजें लगाऊंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होता है, ये सारी चीजों में तो केमिकल्स होते हैं। अब इनमें से हमें आती है खुशबू। अब वो खुशबू इतने टाइम तक क्यों रहती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ होता है चीज, वो दिमाग खराब कर देगी तुम्हारा। कुछ नहीं करना, मेरी बात सुनो, इधर आओ, मैं बता रही हूँ पैर से, अगर ऐसा कभी भी रैशेज होते हैं तो ये सारी चीजें नहीं लगानी है कि वी वॉश लगा रहे हैं, अभी फिर मेरे को वी वॉश की कोलैबोरेशन नहीं आएगी। मतलब कुछ भी लगा रहा, सी वॉश लगा रहे हैं, टी वॉश लगा रहे हैं, ये नहीं करना यार। अब करते हैं बात, ओके सारी चीजें स्टेप टू स्टेप कर ली, अब हेयर को भी क्लीन कर लिया। अब आता है हाउ टू रिमूव योर इनग्रोन हेयर। देखो कई बार होता है जब हमारे हम रिमूव कर लेते हैं, वैक्सिंग कर लेते हैं, रेजर कर लेते हैं, उसके बाद आती है न्यू ग्रोथ। जो न्यू ग्रोथ अगर आप चल भी रहे हो आपसे चला नहीं जाएगा, बहुत दर्द होता है, बहुत दिमाग खराब हो जाता है। आपको क्या करना है, नॉर्मल से एक्सफोलिएशन करना है। कहाँ पे, वहां पे सहारे होंगे, लूफा की हेल्प से झाग बनाने अच्छे से, और अंदर नहीं सिर्फ ऊपर स्किन पे अच्छे अच्छे से उसको करना है, और उसके बाद वो बहुत हद तक एक्सफोलिएट कर देगा आपकी स्किन को, और वो बाल भी काफी हद तक, ठीक है। तो आपको इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी, कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने अपने साथ कि भाई मार्केट में नया ये वाला आया है, ये आया है और मैं इसको लगा लेती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं करना, फिर कोई दिक्कत हो जाएगी, मेरे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। 3 महीने मैंने भी धक्के खाए हैं हॉस्पिटलों में, समझ आए मैं अपनी क्या दुर्दशा बताऊं। तो मैं तुम्हारे को तो कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे को तो इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी, मैं तो मेरी मम्मी लेटी अभी मेरे को जूस बना के देगी अमरूद का। आपको देना चाहूंगी एक एडिशनल टिप जो कि बहुत जरूरी है। लड़कियां क्या करती है, हीरोइन बनने के चक्कर में ये कर लेती हैं, वो कर लेती हैं, ऐसे वैसे कुछ नहीं करना, इधर आओ चुपचाप। क्या करना है, एडिशनल टिप में आपको, आपको पीना है ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन। सही बोला, आपको उतना पानी पीना आप जितना पी सकते हो, ठीक है। आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, आपके डाइजेशन में हेल्प करेगी, आपको वो वाली जो वाइट डिस्चार्ज की लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, पानी पीना बहुत जरूरी होता है। ऐसे सूखी पापड़ जैसी हो जाती मेरी जैसी, क्यों मेरी बात सुन लो, नहा लिया करो 2 बार दिन में, अगर पीरियड्स होते हैं स्पेशली तब, और नहीं हो रहे तो मत ना, पर यार नहा लिया करो। मैं मजाक से अलग हटके, देखो सारी वीडियोस मजाक पे नहीं लेके जानी चाहिए। अब तुम लोग बोलते हो कि दीदी आपकी वीडियोस में अगर मजाक ना आए तो हमें ज्ञान नहीं सुनना, हमें तो मजे करने हैं। मतलब ऐसी बात करोगे, हम आपको दीदी आप मुझे तब अच्छी लगती हो जब आप बदतमीज होती हो। यार मैं अगर ज्ञान की बात करूं, एक चीज और, नहाने के बाद ये नहीं करना जो सुबह चड्डी पहन रखी थी वही रात को पहन लेनी है, ये नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलत चीज है और सबसे गंदी चीज है, ये कभी नहीं करना। जितनी बार नहा रहे हो अपने अंडरगार्मेंट्स अच्छे से चेंज करने हैं, और उसके बाद अपने अंडरगार्मेंट्स जो धोने हैं ना, वो आपको ऐसे नहीं धो लेने कि पूरे परिवार के कपड़े पापा के अच्छे धुल रहे हैं सबके और उसी में डाल दिए और वो घूमे जा रहे हैं। नहीं, अपने अंडरगार्मेंट्स को एक बड़े से टब में डिटॉल डाल के अच्छे से वॉश करना है और जेंटली उनको सुखाना है और उनको सुखा देना है, ये करना है। नहीं यहाँ पे बेड पे सुखाना है या पंखे पे सुखा के चला देना जो पापा के ऊपर गिर जाए। कि तुम लोग मुझे देखने के लिए रोते हो कि रोज आओ, मैं रोज आऊंगी, पर मैं रोज इतनी बदतमीजी नहीं कर सकती। वो भी मैं, मेरे को भी घर में जवाब देने पड़ते हैं, मैं भी पिट लेती हूँ एक मिनट में, तो मैं इतनी बदतमीजी थोड़ी थोड़ी करा करूंगी आके बीच में। ओके सो हिमानी भट्टी, हाय, आपने मुझे बोला था कि आप मेरा नाम लेना अपने व्लॉग में या अपनी किसी भी वीडियो में, तो मैं आपका नाम ले रही हूँ, थैंक यू सो मच। पर मैं रोज वीडियोस नहीं डाल पा रही, मैंने आपको रीजन बताया तो, इतना कंटेंट नहीं समझ आता, पढ़ाई भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बट आई विल ट्राई टू पोस्ट वीडियो एवरी डे। एंड तो एक लड़का था जिसने ये कमेंट किया था, उसका नाम था सीक्रेट सिंगर, तो उन्होंने लिखा था मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान चल रहा हूँ और बहुत परेशानियां है मेरी लाइफ में, और बट आपकी वीडियोस देख के एक चेहरे पे स्माइल आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी के चेहरे पे स्माइल अगर ला पा रही हूँ तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। एंड लाइफ में कोई भी टेंशन हो, नेगेटिव नहीं होना, परेशान नहीं होना, हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमारी लाइफ में भी आए हैं। हम लोगों को, अगर मैं आपको पूरी अपनी जर्नी बताऊं तो आप सोचोगे कि यार यशस्वी तू तो बड़ी बदतमीज निकली यार, तो यार ऐसा कुछ नहीं होता, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। टाइम की सबसे अच्छी बात ही होती है कि वो कभी भी रुकता नहीं है,
कि वो अगर आज बुरा है तो कल गंदा आएगा, फिर कल गंदा है तो फिर अच्छा आएगा, फिर ऐसा आएगा, तो वो आता ही रहेगा। तो आप वरी मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड बी पॉजिटिव और अपनी अच्छी चीजों को देखो कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है, आप किस चीजों से खुश होते हैं, और वही करो, चिल करने का है, ठीक है। आई लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, कि मैं और वीडियोस लेके आती रहूंगी और आप सभी को ऐसी एंटरटेन करूंगी, प्लस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाती रहूंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी। सो आई लव यू ऑल एंड आई लव यू एंड आई मिस यू। आज मैंने एथनिक भी पहने तो उसके लिए नमस्ते बाय।